जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जिनमें कि हमारे युवा साथियों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर प्लीज़ बताइए कि जो हमारी आर्मी रैली है वो उसकी डेट क्या रहेगी, हमारी जो आर्मी रैली है वो कब तक आ सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में यही सब कन्फर्म करूँगा जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया जो जितने भी ARO हैं, जितने भी जोन हैं हमारे, ठीक है, उन सभी की जो आर्मी रैली है और उन सभी का जो वेन्यू है कहाँ पर वो आर्मी रैली होगी वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों आप जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँगा जो भी आपकी आर्मी रैली है, जोन वाइज मैं आपको दिखाऊँगा, जो भी आपका जोन है आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है, और उसका उसके साथ साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सभी जोन की ये आर्मी रैली दिखाऊंगा, ठीक है, आप अपने रिस्पेक्टिव जोन का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है स्क्रीनशॉट लेना ले लेना जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी आप सामने देख रहे हैं, सबसे पहला जोन है हमारा पुणे, ठीक है, हेडक्वार्टर RTG जोन पुणे, ये यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी डेट्स हैं और ये यहाँ पर आपके वेन्यू है कहाँ पर जो आपकी भर्ती होगी, ठीक है, जहाँ पर आपकी भर्ती हुई, ये वेन्यू हो गया और ये डेट हो गई और यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आया यहाँ पर देख लीजिए, पुणे में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके जोन में, ठीक है। उसके बाद आता है शिलोंग, ठीक है, शिलोंग के जो भी ज़िले हैं भाई यहाँ पर आपने देख लीजिए, शिलोंग के अंडर जो भी युवा साथी आते हैं वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप अपने यहाँ पर डेट और वेन्यू को नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर ज़िले आते हैं, एक तो आपका खुद दिल्ली ही हो गया, ठीक है, फिर हरियाणा के ज़िले आते हैं कुछ जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, ठीक है, ये ज़िले हो गए। इसकी जो है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में रैली हो सकती है, ठीक है, दैनी ARO के लिए। उसके बाद आता है आपका कोलकाता ARO, ठीक है, कोलकाता जोन के यहाँ पर युवा साथी देख सकते हैं, जिनके भी कोलकाता जोन में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो यहाँ पर अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कोलकाता के बाद है फिर लखनऊ, लखनऊ के जो भी पड़ते हैं भाई युवा साथी हमारे, लखनऊ के यूपी से, उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ पर अपने ज़िले नोट कर लीजिए, ठीक है, और अपना वेन्यू भी नोट कर लीजिए लखनऊ के लिए। लखनऊ में मेरठ, बरेली, वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, ठीक है, फिर दोबारा से लखनऊ है, फिर लेंस डाउने जो भी यहाँ पर देख लेना प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, फिर पिथौरगढ़ है और फिर ये शायद क्या लिखा हुआ है इस पर भाई, स्टैंप लगी हुई है, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा, अल्मोरा, पिथौरगढ़, फिर आगरा, ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई जो भी लखनऊ जोन में पढ़ते हैं हमारे युवा साथी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जयपुर, जयपुर जोन के जो युवा साथी है भाई यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जयपुर के अलवर, कोटा, जोधपुर, झुंझुनू और जयपुर, ठीक है, एक खुद हेडक्वार्टर हो गया जयपुर। जयपुर के बाद आता है जालंधर, ठीक है, जालंधर के युवा साथी भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी जो भी आर्मी रैली है उसकी डेट और वेन्यू जो है यहाँ पर आपको दोबारा बता दिया जाएगा बाद में, चैनल पर बने रहिए। अभी वेन्यू जो है विल बी इनिशिएटेड लेटर, आपको बाद में जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जालंधर के बाद आता है आपका ये दानापुर, ठीक है, दानापुर जोन के जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, रांची, गया, दानापुर हेडक्वार्टर, मुजफ्फरपुर और ये कैथर है यहाँ पर, ठीक है, इसके जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर नोट कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट को भी और अपनी डेट और वेन्यू, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दानापुर के बाद आता है जबलपुर, जबलपुर के भी कुछ साथी जो है कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर देखिए भाई जबलपुर वालों, आपका डेट तो बता दी गई लेकिन आपका वेन्यू है जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु के जो हमारे युवा साथी हैं वो यहाँ पर देख लीजिए अपनी डेट्स, जो January 2022 और November 2021 में आपकी जो भर्ती हो सकती है, कोयम्बटूर के लिए 2021 में और चेन्नई जो हेडक्वार्टर है उसकी January 2022। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, ये जो भी हमारे युवा साथी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर तरीके से जिसको आप बाद में भी नोट कर सके। उसके बाद है आपका हमारा अम्बाला, जो अम्बाला के शेर है भाई, अम्बाला के चित्ते, हरियाणवी शेर, वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना, देख लीजिए जो भी आपका वेन्यू और डेट्स है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अम्बाला में जो भी है अपने डिस्ट्रिक्ट रोहतक, अम्बाला, पालमपुरी, सहा, शिमला, हमीरपुर, चरखी दादरी, मंडी और हेडक्वार्टर खुद अम्बाला, इसमें कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश के भी जो है जिले कवर हो जाते हैं। फिर अम्बाला के बाद है भाई आपका बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर जोन के जो भी युवा साथी है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही था ये इस PDF में,
आपके लगभग सभी जोन जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कवर हो गई होगी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो ये पीडीएफ है, ठीक है। और बिल्कुल ही ऑथेंटिक ऑफिशियल पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है साथ ही में कि जो पीडीएफ है दोस्तों ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है। टेंटेटिव पीडीएफ है ये। प्रोग्राम दिस रैली प्रोग्राम इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अगर कुछ सिचुएशन बनती है तो ये चेंज हो सकती है, वरना डेट यही रहेगी दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल डेट है, ठीक है, आर्मी की तरफ से। जैसे अगर कोई कुछ भी थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन आती है आर्मी से रिलेटेड, मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आर्मी ज्वाइन से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि जैसे कि आर्मी क्लर्क का क्या काम होता है, जीडी का क्या काम होता है भाई, ठीक है, कैसे ज्वाइन करें, क्या कुछ इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्राइटेरिया, सब कुछ जो है मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ, ठीक है। टीए से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। टी आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी दोस्तों मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको समय समय पर इन्फॉर्म करता रहूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।